गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गदराना में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं परिवार पहचान पत्रा के बारे में। तो दोस्तों, जो कि फैमिली आईडी बनी हुई है हरियाणा में, उसको लेकर एक खास अपडेट प्राप्त हो रही है, वो आज आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपडेट के और आप फैमिली आईडी में बदल सकता है परिवार का मुखिया। पहले सबसे जो कि बुजुर्ग व्यक्ति होता था जो मुखिया, अब दादा के रहते पोता ही बन सकता है मुखिया। फैमिली आईडी में रिश्ते ठीक होने कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर डलवानी होगी रिक्वेस्ट। तो दोस्तों, अब नए विकल्प के तहत परिवार पहचान पत्र में परिवार का मुखिया बदला जा सकता है। परिवार पहचान पत्र में आपस में गलत दर्शाए गए रिश्ते की दृष्टि भी अब तुरंत ठीक हो जाएगी। इसके लिए पात्रों को कॉमन सर्विस सेंटर पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट डलवानी होगी और जरूरी दस्तावेज भी अपलोड कराने होंगे। विभाग जो कि भिवानी के मानव सूचना एवं संसाधन विभाग के जिला सम्मानित खुशवंत सिंह ने बताया कि पहली बार परिवार पहचान पत्र में परिवार का मुखिया बदलने और गलत रिश्तों को ठीक कराने के लिए विकल्प खोला गया है। अब तक परिवार पहचान पत्र में परिवार में केवल आयु और रिश्ते में सबसे बड़े व्यक्ति को ही मुखिया दर्शाया जाता रहा है, मगर अब दादा या फिर पिता का नाम परिवार में शामिल होते हुए भी बेटा या पोता मुखिया बन सकता है जब बन सकेगा, जब किसी महिला को भी मुखिया बनाया जा सकेगा। भिवानी में 3,24,569 परिवारों को और 12,49,175 सदस्यों का डाटा हरियाणा परिवार पहचान पत्र पर अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों, आप इस अपडेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप हमें जो कि कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।